हाई एंड हैलो एवरीवान वेलकम बैक टू स्प्रिंट टू बी एस सी सो वी आर डिस्कसिंग द तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री ट्वेल्थ की जो बुक है वो हम समझ रहे हैं चैप्टर थ्री आज इस सेशन से स्टार्ट करेंगे द मार्किस ऑफ वेलसिल्ली ओके सो वेलसली के बारे में हम समझेंगे इस पूरे सेशन में तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या कॉन्टेंट है कॉन्टेंट है पॉलिटिकल कंडीशन जिस टाइम पे वेलसली आया था भारत में सब्सिडी uh, सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था तो वो किस तरह से चला मेन फीचर्स क्या थे बेनिफिट्स ब्रिटिशर्स को क्या हो रहे थे सब्सिडी सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स थे एनफोर्समेंट कैसे हुआ uh, फिर हम समझेंगे फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर उसके बाद वॉर के बाद क्या हुआ सेकेंड मराठा वॉर कैसे हुआ है ना और फिर एट एंड एस्टिमेट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ हम पॉलिटिकल कंडीशन समझेंगे एंड सब्जरी सिस्टम समझेंगे सो so देखिए रिचर्ड कोले वे वेलेसिली इनको एज अ गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था इसके बाद से ब्रिटिश जो हिस्ट्री है भारत में कम्प्लीटली चेंज हो गई ही वॉज़ अ वेरी ग्रेट एम्पीरियलिस्ट एंड अपने आप को बंगाल टाइगर बोलते थे ठीक है तो ये इंडिया में इस डिटर्मिनेशन से आए थे कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर आएंगे ब्रिटिश uh, एम्पायर भारत में बनाएंगे ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया इस तरह से ये बना देंगे फिर द सिस्टम हैज़ ही adopted टू अचीव दिस was नोन एज द subsidiary अलायंस तो ये सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया था ओके सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम अब समझते हैं पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी जब वैलसली भारत में आए थे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पे जमन शाह का डेंजर था बहुत बड़ा सीरियस स्टेट था ब्रिटिशर्स बिट के लिए नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पर मराठास अभी भी पॉलिटिकल पावर वहाँ पे थी उनकी फिर हैदराबाद जो निज़ाम के हैदराबाद के थे वहाँ पे ही एम्प्लॉयड द फ्रेंच मैंस टू ट्रेन हिज़ आर्मी एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट जो आपका कर्नाटका रीजन में कंटिन्यू था टीपू सुल्तान हमेशा से अनकॉम्प्रोमाइजिंग एनिमी था आपके ब्रिटिशर्स का तो इस तरह से आपने पूरे देश में देख लिया कि इस तरह से रेसेंटमेंट था इनकी तरफ इसके अलावा सर जॉन शोर की जो न्यूट्रैलिटी की जो पॉलिसी थी उनके जो सक्सेस थे कॉर्नवालिस उनकी वजह से पॉलिटिकल जो अनरेस्ट थे भारत में हो गया था और इसकी वजह से ब्रिटिश की जो प्रेस्टीज थी वो खराब हो चुकी थी फिर इन द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो आपके जॉन शोर की थी वॉज Much has given much more growth to the anti-British feeling further. Fir Napoleon's ka move hua Eastern invasion may say uh, it was a fear among, among the Britishers, and it was in the, this light that Vallasili moulded his policy. Preservation of British prestige and removal of French danger from India were the हिज ट्वेन एम्स दो एम क्या थे पहले तो ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज सुधारो यहाँ पर और फ्रेंच को हटाओ दो चीज़ मेन एम थी एंड उनको अब तक इतने अच्छे से पता चल चुका था कि स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश पावर इन इंडिया को रिड्यूज़ एंड कंट्रोल द एग्जिस्टिंग ट्रेनियन करप्शन इन द इंडिया स्टेट इसी वजह से ही रिवर्स द नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ हिस् फॉर उनके जो सीनियर्स थे उनकी नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी को हटाया और एक मास्टर प्लान बनाया जिसको बोलते थे ये सब्सिडरी अलायंस अभी क्या था उसको हम डिटेल में समझेंगे सब्सिडरी अलायंस का और सब्सिडरी सिस्टम क्या था देखिए जो वेलसिली के पहले आए थे लोग उन्होंने अलायंसिस बनाए थे इंडियन प्रिंसेस के साथ जैसे कि नवाब अवध निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ ठीक है तो ये जो लोग थे दे रिसीव सब्सिडीज़ फ्रॉम इंडियन रूलर्स फॉर देंटेनेंट मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप यानी कि जो इंडियन रूलर्स थे वो इनको पैसा दिया करते थे सब्सिडीज दिया करते थे और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रूप्स को मेंटेन किया करते थे और ये जो ट्रूप्स थे इन इंडियन रूलर की जो टेरिटरी है इन पर खड़े रहते थे और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे वेलिसली ने एनलार्ज uh, किया एंड कंसोलिडेट किया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम को हवेवर हिज ऑरिजिनालिटी वॉज रिवील्ड इन हिज एप्लीकेशन मेन फीचर समझ लीजिए कैसे थे आपके सब्सिडरी अलायंसिस सिस्टम के अगर कोई रूलर इफ एनी इंडियन रूलर हु एंटर्ड इन टू सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अगर कोई भी इंडियन रूलर इस सिस्टम के अंदर आया तो ब्रिटिश हैड टू मेनटेन अ कंटिजेंट ऑफ ब्रिटिश रूप इन हिज टेरिटरी यानी कि जो ये आपका जो रूलर है ये आपका जो किंग है ठीक है यह आपका जो किंग है इसकी टेरिटरी के अंदर ही ब्रिटिश अपनी जो टेरिटरी ट्रूप्स हैं उनको मेंटेन करेंगे इट वॉज़ कमांडेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर इंडियन स्टेट व कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड स्टेट तो फिर अगर यहाँ पे ब्रिटिश की आर्मी बॉर्डर्स पे खड़ी है तो ये कौन सा स्टेट कहला जाएगा प्रोटेक्टेड स्टेट ठीक है एंड द ब्रिटिश हेयर इन आफ्टर वर रेफर टू एज अ पैरामाउंट पावर ये ब्रिटिशर्स की ड्यूटी होगी कि इस स्टेट की बॉर्डर्स को एक्सटर्नल अग्रेशन से क्या करें प्रोटेक्ट करें ठीक है और रूलर्स को यहाँ पे जो किंग बैठा हुआ है इसको हेल्प करें इंटरनल पीस बनाने में द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड गिव सम मनी एंड अ पार्ट ऑफ टेरिटरी टू ब्रिटिशर्स टू सपोर्ट द सब्सिडरी फोर्स तो ये इनके बिहाफ में ये चीज़ें देंगे फिर जो प्रोटेक्टेड स्टेट होगा शुड कट ऑफ हिज कनेक्शन विद यूरोपियन पावर्स यानी कि जो ब्रिटिशर्स के दूसरे एनिमीज़ हैं फ्रेंच वगैरह इन पर्टिकुलर फ्रेंच ओनली उनसे क्या करें अपने रिलेशन्स तोड़ दें द स्टेट वॉज ऑल्सो फो विद टू हैव एनी पोलिटिकल कॉन्टैक्ट इवन विद द इंडियन पावर्स विदाउट द ब्रिटिश परमिशन यानी कि जो राजा है वो दूसरे अपने ही देश के दूसरे राजाओं के साथ कनेक्शन नहीं बना सकता अगर उनके पास परमिशन नहीं है ब्रिटिशर्स की द रूलर ऑफ़ द प्रोटेक्टेड स्टेट शुड कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन एस्कोट तो अब इनके कोर्ट में यानी कि राजा के कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंस भी आ जाएगा एंड डिसबैंड हिज ओन आर्मी ऑल्सो यानी कि राजा अपनी आर्मी डिस्बैंड कर देगा सारी आर्मी ब्रिटिशर्स की होगी एंड ही शुड नॉट एम्प्लॉय यूरोपियंस इन ए सर्विस विदाउट द सेंशन ऑफ द पैरामाउंट पावर पैरामाउंट पावर यहाँ पे फिर से कौन है ब्रिटिशर्स हैं अब पैरामाउंट पावर शुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स अब ये जो पैरामाउंट पावर है ब्रिटिशर्स हैं जो आर्मी संभाल रहे हैं वो इंटरनल अफेयर्स में राजा के स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में कुछ भी तरह से हस्ताक्षेप नहीं करेंगे अब समझते हैं बेनिफिट्स क्या हुए इस पूरे पर्टिकुलर सिस्टम से ब्रिटिशर्स को सो so, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था इम्पीरियलिज्म की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट करने के लिए यहाँ से मिलिट्री स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो गई राजा के पास कुछ अपनी मिलिट्री स्टैंड नहीं थी अब तो जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वही इन्होंने कैप्चर कर लिया फिर जो कंपनी की टेरिटरीज थी देवा फ्री फ्रॉम द रिवेंज ऑफ वॉर यानी कि अब वो राजा रिवेंज नहीं कर सकता है ना तो ब्रिटिश की जो पावर है वो स्टेबल हो गई इसके अलावा जो पोजीशन है ब्रिटिश की वो आपके इंडियन और नॉन इंडियन एनमीज़ के बीच में भी स्टेंडिथ हो गई इस सिस्टम के अंदर ब्रिटिशर्स का जो एक्सपेंशन का पावर है एक्सपेंशन का सिस्टम है वो इजी हो गया इसी वजह से जो वेलस्टिली की डिप्लोमेसी की जो पॉलिसी बोली जाती है इसी वजह से तो ब्रिटिश पावर है पैरामाउंट पर पे चला गया भारत पर अब बात करते हैं इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे इस सिस्टम में क्या क्या डिफेक्ट्स थे इसकी बात कर लेते हैं सो इमीजिएट इफेक्ट्स जो था इस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे सबसिडरी फोर्सेज का वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ अनाकी बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ सोल्डर्स सेंट अवे बाय द इंडियन प्रिंसेज तो ऐसे देखो हमने एक एक पॉलिसी के अंदर क्लॉज समझा था कि अब इंडियन सोल्जर्स इंडियन राजा जो होगा वो अपनी आर्मी को हटा देगा अब आर्मी को हटा देगा यानी कि आर्मी के अंदर के जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हो गए तो सबसे बड़ा असाइनमेंट ये हो गया फिर फ्री बोटिंग एक्टिविटीज ऑफ डिसबैंड शोल्डर्स वर फेल्ट मच इन द सेंट्रल इंडिया वेयर द मेनेंस ऑफ द पिंडारीज अफेक्टेड द पीपल इसके अलावा सब्सिडरी अलाइज सिस्टम में उसमें एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट भी था प्रिंस के तरफ या फिर प्रिंसेस लोग डिमोरलाइज हो रहे थे दे वर सिफ गार्डिड अगेंस्ट एक्सटर्नल डेंजर्स एंड इंटरनल रिवॉल्ट एंड दे देगलेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ऑल्सो दे प्रेफर टू लीड ईजी गोइंग एन प्लेजर सीकिंग लाइफ्स है ना तो अब क्या हो गया कि अब उनके लिए थोड़ी ईजी हो गई चीज़ें इसकी वजह से मिस गवर्नमेंट आने लगा मिस गवर्नमेंट आने लगा फिर धीरे धीरे टाइम पर एन आर की हो गई मिस रूल होने लगा बहुत से स्टेट की वजह बहुत से स्टेट इसी वजह से जब मिस रूल होने लगा तो फिर अब क्या हो गया ब्रिटिशर्स एनेक्स करने लगे पूरी चीज़ों को इसी वजह से सब्सिडरी सिस्टम है वो इट इज़ अ प्रेपरेशन फ़ॉर द एनेक्सेशन ऑफ ब्रिटिशर्स धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एनेक्स करना शुरू कर दिया इसके अलावा ब्रिटिशर्स दे कलेक्टेड अ वेरी हैप्पी सब्सिडीज फ्राम द प्रोटेक्टेड स्टेट एंड प्रिंसेस, जिसकी वजह से इकोनॉमी, ट्रेजरी जो आपके प्रिंस की थी वो भी ढीली पड़ गई तो अब दो ही चीज़ें तो इंपॉर्टेंट होती हैं पहला होता है मिलिट्री स्ट्रेंथ दूसरा होता है इकनॉमी मिलिट्री स्ट्रेंथ ले ली इकनॉमी भी ले ली तो इस तरह से सिस्टम ख़राब हो गया अब देखते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ द सब्सिडरी सिस्टम कैसे कैसे अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने इन्फोर्समेंट किया पहला हैदराबाद तो पहला स्टेट था हैदराबाद जहाँ पे वेलेसली ने सब्सिडरी अलाइंस का सिस्टम लेकर आए नाइनटीन सेवेंटीन एट नाइन्टी एट में तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट स्टेट था हैदराबाद याद आ सकता है सवाल आ, ट्रीटी कंक्लूड की गई एंड इट वॉज अ एडहॉक मेजर एंड फोटी ट्वेंटी फोर टोटली आपको ब्रिटिशर्स को देने थे राजा को किस चीज़ के चीज में वही आर्मी वगैरह को मेंटेन करने के चीज़ में इस ट्रीटी के अंतर्गत जितने भी फ्रेंच ट्रूप थे हैदराबाद में उनको हटा दिया गया एंड रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिशर्स पोस्ट फिर एक नई ट्रीटी कंक्लूड की गई एटीन में जिसमें निज़ाम सीडेड लार्ज टेरिटरीज टू द कंपनीज एंड इट दिस कंस्टिट्यूट द फेमस सीडेड डिस्ट्रिक्स ऑल्सो अब देखिए अवध की बात करते हैं

गोरखपुर वगैरह दे दिया था जिसमें वो लोग लो अपनी आर्मी मेंटेन कर रहे थे और अपना लाइक विच द ब्रिटिशर्स सेंशन इन द कैपिटल ऑफ अवध देन द स्ट्रेंथ ऑफ नवानस और ओन आर्मी वाज आल्सो रिड्यूस्ड और मेंटेनेंस के लिए लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए ब्रिटिशर्स को अथोराइज कर दिया कि हाँ ठीक है आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ बाई दिस ब्रिटिशर्स ने राइट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ये आप देख लीजिए ले, ले लिया तो आप समझ रहे हो कि सब्सिडी अलायंस के सिस्टम के अंदर पॉलिसीज तो इनकी बहुत सारी थी इन्होंने बोला था कि हम सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन देखेंगे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे बट अब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना रहे हो मतलब इंटरनल अफेयर्स में आने लगे ऑल दो कंपनी ओमटेंड अ वेरी फोर्टाइल एंड पॉपुलस टेरेटरी विच इंक्रीज इट्स रिसोर्स एंड हाई हैंड एक्शन ऑफ वेलेसिली वॉज वेरी वेरी सीवियरली क्रिटिसाइज ड्यूरिंग दैट टाइम बात करते हैं तंजौर सूरत एंड कर्नाटक की सो यहाँ पे वेलेसिली ने तंजौर सूरत कर्नाटक का एडमिनिस्ट्रेशन लिया ट्रीटी कंक्लूड करके हर एक स्टेट के साथ मराठा स्टेट था तंजौर का उन्होंने देखा कि देर वॉज अ सक्सेशन डिस्प्यूट सेवेंटीन में वेलेसिली कंक्लूडेड अ ट्रीटी ऑफ सरफूजी इस ट्रीटी के अंदर ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया स्टेट का एंड सरफूजी टू रिटेन द टाइटल ऑफ राजा विद द पेंशन ऑफ फोर लैख रुपीज़ तो सिर्फ राजा का टाइटल रहेगा का, संभालेंगे काम के लोग ठीक है अब राजा सरभोजी के बारे में बात करते हैं ही वॉज अ मैन ऑफ कल्चर एंड अट्रैक्टिव मैन ऑफ सिकवर्ड्स का डिसाइपल था uh, सरस्वती महल लाइब्रेरी वगैरह बनवाई थी इन्होंने तंजौर में आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, का काफ़ी अच्छा पैटर्नाइज़ uh, किया करते थे तो तंजौर वगैरह ले लिया गया अब सूरत की बात करें तो 1759 में सूरत आया था ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में द नवाब ऑफ दिस हिस्टोरिक सिटी डाइड इन 1799 एंड उनके जो ब्रदर हैं उन्होंने सक्सीड कर लिया सक्सेशन जैसे ही चेंज हुआ तो वेलसिली को मिल गई अपॉर्चुनिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेने की नवाब ने अलाउ कर दिया नवाब को बोला कि ठीक है आप टाइटल रखो बट आपको पेंशन दी जाएगी एक लाख रुपए की अब बात करते हैं कर्नाटका की तो कर्नाटका के जो लोग थे वो बहुत सी टाइम से डबल गवर्नमेंट फ़ेस कर रहे थे तो नवाब जो थे उमदत उम्रा है ना ही वॉज़ वेरी इम्कम्पिटेंट रूलर और मिस रूल वगैरह हो रहा था फिर उनकी मृत्यु हो गई उनके बेटे आ गए अली हसन आ गए न उनको नवाब बना दिया गया वेलसली ने बोला कि आपको रिटायर कर दिया जाता है और आपको पेंशन दे दी जाएगी एंड uh, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में छोड़ दो उन्होंने मना कर दिया फिर वेलसली ने एक ट्रीटी साइन करी नवाब के नेफ्यू के साथ अज़ीम उद्दौला के साथ अकॉर्डिंगली uh, पूरा मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर्नाटका का फिर ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया था सो दिस वॉज़ ऑल अबाउट योर द पोलिटिकल कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेले एंड सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किस तरह से धीरे धीरे उन्होंने पहले देखिए सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था ये था कि हम आपको टेरिटोरियल प्रोटेक्शन देंगे इन द रिटर्न ऑफ समथिंग दैट यू गिव इट टू यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से बात कर रही हूँ तो इन रिटर्न राजा को आप हमें आमिर दे दो और हमें थोड़ा सा लैंड दे दो और थोड़े से पेंशन दे दो धीरे धीरे उल्टा सिस्टम होता गया राजा को एक सैरोमोलियन पोजीशन बना दिया गया उनको पेंशन देने लगे और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैप्चर कर लिया सो दिस इज इट अबाउट द दिस पार्ट इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड द एस्टिमेट्स एंड सो दिस इज इट अबाउट दिस सेशन आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू डिड यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज अपडेट्स एंड ऑसो यू कैन डाउनलोड दस प्रिंट पी एस सी एप टू प्रैक्टिस बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज रिमेंबर कैंडिडेट्स जस्ट रीडिंग बुक्स एंड वॉच